आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेलकम 3 को लेकर बात करेंगे, जिसमें मैं आप सभी को अपडेट देने वाला हूं। आप सभी को पता है इससे पहले बहुत सी अपडेट लेकर कर आई थी स्टार कास्ट को लेकर और बाकी शूटिंग वगैरह से रिलेटेड, कभी ये मूवी रिलीज होगी सारी अपडेट मैं आप सभी को जो है दे चुका हूं। अब जो है अपडेट निकल कर आई है परेश रावल सर की, अपडेट निकल कर आई है, मतलब वो भी हमें देखने को मिलने वाले। आप सभी जानते हो पहले पार्ट्स में वो हमें देखने को मिले थे, अब इस पार्ट में वो दोबारा ज्वाइन करने वाले हैं। देख सकते हो लिखा हुआ है पहले दिलेर मेहंदी की कुछ आर्दा, मतलब जो स्टार कास्ट थी बाकी, अब जो है परेश रावल सर ने भी जो है ज्वाइन कर लिया और हमें जो उनका करेक्टर देखने को मिलेगा वो डॉक्टर घुंघरू वाला ही करेक्टर देखने को मिलेगा। आप सभी को याद है जो करेक्टर हमें वेलकम 1 में देखने को मिला था, वैसा ही करेक्टर हमें उनको देखने को मिलेगा। आप सभी जानते हैं मतलब जो मूवी में है सभी के साथ वो ज़्यादातर काम कर चुके हैं और वेलकम 3 में भी हमें देखने को मिलेंगे वो। अब जो वेलकम टू द जंगल है जिसका टाइटल हेरा फेरी थी, आवारा पागल दीवाना 2, इन सभी मूवी में वो देखने को मिलने वाले, जो उनका रोल होगा डॉक्टर घुंघरू का। आगे बात करें तो यार आगे जो अपडेट निकल कर आई मूवी से रिलेटेड, वेलकम टू द जंगल जो है अभी प्री प्रोडक्शन में, मतलब वर्क इस मूवी का चल रहा है और जो मेकर्स है वो टारगेट कर रहे हैं क्रिसमस के मौके पर ये मूवी रिलीज की जाएगी। प्रोड्यूसर है फिरोज नडेड वाला, डायरेक्टर अहमद खान, मतलब इन सभी, मतलब ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्टर हो सके मतलब इस मूवी में वो लेकर आने वाले हैं। द फिल्म विल बी शूट इन इंडिया एंड अब्रॉड एंड टीम इज नाउ इन द प्रोसेस ऑफ लोकिंग द लोकेशन, मतलब जो टीम है अभी वो जो प्रोसेस है उसमें लगी हुई है कि मतलब जो लोकेशन है उन सभी की लोकेशन में लगी हुई है और जो सभी की डेट्स एक साथ निकल कर आए और मतलब फिर जो है शूटिंग स्टार्ट हो जाए। जैसे सभी एक्टर ने यार कहीं ना कहीं पे जो है मूवी साइन की हुई है तो सभी की डेट्स जो है एक साथ मिल जाए, तो उसी को लेकर अभी जो है बातें चल रही है और लोकेशन जो है कंफर्म कर दी गई है। मतलब ज़्यादातर लोकेशन कंफर्म हो चुकी है, कुछ इंडिया लोकेशन होने वाली है और कुछ अब्रॉड होगी और बाकी जो बाकी मूवीज़ को मूवी में मतलब जो एक्शन वगैरह देखने को मिलेगा उसको लेकर लोकेशन ढूंढी जा रही है। नेक्स्ट चीज़ को लेकर बात कर लेते हैं, सुनील शेट्टी सर का जो करेक्टर है वो हमें देखने को मिलेगा। मतलब जैसे RDX आप सभी को याद होगा वेलकम मूवी में हमें देखने को मिले थे, मतलब जो कितने मज़ेदार करेक्टर था जो लेकर आए थे वेलकम पार्ट 1 में, तो उसी मतलब उसी तरीके का वो नहीं पर उसी तरीके का हमें वो देखने को मिलेगा। वाइल अक्षय कुमार विल बी प्लेइंग द लीड करेक्टर इन वेलकम 3, आप सभी जानते हो जो अक्षय कुमार सर का जो है लीड करेक्टर होने वाला है। परेश रावल विल बी सीन एज डॉक्टर घुंघरू, बता चुका हूँ। जो इंडस्ट्री का बज है मतलब सजेस्ट कर रहा है दैट सुनील शेट्टी करेक्टर इज ऑन द लाइन ऑफ RDX फ्रॉम द फर्स्ट वेलकम फिल्म। आप सभी जानते हो मतलब जो RDX थे बहुत बड़े गैंगस्टर थे, तो मतलब उसी के लाइन पर यह लगा लिया, मतलब उनके साथ ही हो सकते हैं, कोई ना कोई ऐसी कहानी में ट्विस्ट होगा जो देखने को मिलेगा, मतलब उनके पार्टनर भी हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ करेक्टर सुनील शेट्टी सर का इस मूवी में देखने को मिलेगा। इट्स अ कंप्लीटली पैकेज एंटरटेनर दैट हैज कॉमेडी इन फोर फ्रंट विद अ लॉट ऑफ एक्शन एंड एडवेंचर, जो मतलब एडवेंचर भी देखने को मिलेगा। नाम से ही पता चलता है वेलकम टू द जंगल, मतलब बहुत धमाकेदार मूवी होने वाली है ये स्टोरी वाइज तो, और देखते हैं डायरेक्शन किस तरीके से होगा वो तो पता चलेगा यार मूवी रिलीज होगी तो। बाकी अपडेट्स के लिए यार बने रहो, अपडेट निकल कर आती रहेगी, आप सभी के साथ शेयर करता रहूंगा। अभी के लिए ये अपडेट थी वेलकम 3 से रिलेटेड, मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।